रहीम वेलकम बैक टू मशीन लर्निंग आई होप कि आप लोगों को अब तक लीनियर रिग्रेशन काफ़ी अच्छी तरह से समझ में आ रही होगी uh, हमने उसकी इंटेशन भी देखी उसका मैथ्स भी देखा ग्रेड डिसेंट को भी देखा उसके कुछ डिफरेंट फॉर्म्स भी देख चुके हैं आज हम uh, इसी सफ़र को आगे बढ़ा रहे हैं और अब तक जो हम एक सिंगल वेरिएबल सिंगल फीचर खाली इनपुट में देखते रहे हैं और उसके रिलेशनशिप को थ्रू अ लीनियर रिलेशन बिल्ड करते रहे हैं विद द आउटपुट वेरिएबल अब हम इसी डिस्कशन को आगे बढ़ाकर इसको मल्टीवेरिएट डोमेन में ले जाएंगे मल्टी यानी मल्टीपल फीचर्स के केस को देखेंगे कि किस तरह से वो भी इतनी ही आसानी से यूजिंग अ लीनियर इक्वेशन बिल्ड किया जा सकता है और उसके साथ साथ अब हमने काफ़ी और इंटरेस्टिंग uh, चीज़ें भी हैं जो कि देखनी है एज पार्ट ऑफ दिस लीनियर रिग्रेशन मैं एक दफ़ा फिर आपको ये याद दिला दूँ कि हमारी ये डिस्कशनज ऑन लीनियर रिग्रेशन आर नॉट जस्ट रिलेटेड टू दिस वन टॉपिक ऑफ लीनियर रिग्रेशन यहाँ से हम बहुत सी ऐसी चीज़ें सीख रहे हैं जो कि हमने थ्रू आउट द जर्नी ऑफ मशीन लर्निंग यूज़ करनी है तो इसलिए आई होप कि आप पूरी तरह तोज्जो से और जो है वो इस्तलाल के साथ इस सब कुछ को न सिर्फ सुन रहे हैं देख रहे हैं बल्कि साथ साथ खुद से करने की कोशिश भी कर रहे हैं ठीक है जनाब अपने सफर को आगे बढ़ाते हैं लेट्स बिगिन लाइक बिफोर कुछ हमारी अगली वीडियोज के लिए हमारा मेन रेफरेंस यही रहेगा जो एंड्रियोंग की वीडियोज हैं uh, इनका मशीन लर्निंग का कोर्स है और डीप लर्निंग की स्पेशलाइजेशन है सो uh, so एक हद हाँ तक हम इन वीडियोज को फॉलो कर रहे होंगे और उसके बाद फिर हमारे uh, कुछ अपनी और डायरेक्शन है जिसके अंदर हम मूव करेंगे नॉल गिव यू मोर रेफरेंसेज लाइक बिफोर जिन जिस, जिस किसी स्लाइड के ऊपर आई हैव है लॉर ऑफ मटीरियल फ्रॉम एंड्री ऑंग स्लाइड्स या मैंने कुछ जगहों पर अगर स्लाइड डायरेक्टली उनकी यूज की है तो वहाँ पर आपको साइड पर नीचे उनका नाम भी लिखा हुआ नजर आएगा सो दैट इट्स एब्सोल्यूटली क्लियर के रेफरेंस क्या है देर आर अदर प्लेसेज जहाँ से इन स्लाइड्स का मटीरियल आ रहा है वो यूजली मैंने स्लाइड के ही फुट नोट्स के अंदर मैंशन किया हुआ है आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं मैं ये रिकमेंड किया करता हूँ इट्स हाईली रिकमेंडेड दैट यू गो टू दी औरिजिनल सोर्सेज और वहाँ से भी Uh, मजीद uh, इसको पढ़ें अगर आपके पास वक्त है अगर अभी वक्त नहीं है तो देन आफ्टर द सेमेस्टर वैन एवर यूर अबाउट टू अप्लाई योर मशीन लर्निंग नॉलेज आपके पास एटलीस्ट एक रिपोजिटोरी जमा हो चुकी होगी तब तक लिंक्स uh, की जिसको आप फॉलो कर सकते हैं तो जनाब जैसा कि हमने uh, अभी कहा कि इस वक्त तक हम सिंगल uh, फीचर या सिंगल वेरिएबल की बेस के ऊपर लीनियर रिग्रेशन को देखते रहे हैं हमने देखा था कि हम हाउसेस की जब प्राइस uh, को प्रिडिक्ट कर रहे थे बेस्ड ऑन दी साइज ऑफ द हाउस मेजर्ड इन स्क्वेयर फीट तो हमने एक सिंगल फीचर खाली साइज़ को ही यूज़ किया था और उसको यूज़ करते हुए हमने अपनी आउटपुट यानी प्राइस को प्रडिक्ट uh, करने की uh, कोशिश की थी इन टर्म्स ऑफ डॉलर्स और ये वो इक्वेशन थी लीनियर इक्वेशन इक्वेशन ऑफ द लाइन जिसको हमने फिट किया था यहाँ पर थिएटर नॉट जो है ये हमारा वाई इंटरसेप्ट था और थिएटर वन हमारा स्लोप था इन दो की मदद से हमने देखा था कि किस तरह से हम uh, किसी भी ट्रेनिंग डेटा जिसके अंदर एक लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन दी इनपुट एंड द आउटपुट होल्ड करता है उसको फिट कर सकते हैं इसके लिए हमने एक कॉस्ट फंक्शन भी डिफाइन किया था जो कि मीन स्क्वेयर एरर का था इसको हम ऑर्डिनरी ली स्क्वेयर्स भी कहा करेंगे ओएलएस इस फंक्शन को भी कहा करेंगे इनफैक्ट ये एक और टर्म है जो हमारी लीनियर uh, रिग्रेशन के लिए यूज़ होती है ओ एल एस या स्क्वेयर्स इसके साथ साथ और बहुत सी सिमिलर टर्मिनोलॉजी है जो आपको मिलती जाएगी जब आप इस सब कुछ को पढ़ रहे होंगे uh, और उसके बाद उस कॉस्ट फंक्शन को मिनिमाइज करने के लिए वी लर्नट अबाउट दी ग्रेडियंट डिसेंट एल्गोरिदम जिसके अंदर हमने ये देखा था कि डिसेंट जो पहली फॉर्म हमने देखी थी वो उसकी बैच वर्जन थी जिसके अंदर हम एक स्टेप उठाने से पहले सारे के सारे जो हमारा ट्रेनिंग डेटा है उसको कंसल्ट करते हैं और उसके बाद वो बेस्ट स्टेप उठाते हैं इन इन ऑल डायरेक्शंस इन ऑल डिमेंशन Uh, जो हमारी कॉस्ट को uh, कम की तरफ ले जा रहा हो होल्दो कि हमने ये एक्सप्लिसिट चेक नहीं अपने अलग्रुदम में लगाया था कि हमारी कॉस्ट हर स्टेप के ऊपर कम हो रही हो लेकिन हमने कैलकुलेट इस अंदाज से किया था कि उससे वो कम होनी चाहिए ऑल दो विल सी कि uh, अगर हम लर्निंग रेट को गलत चूज़ करें तो हमारी कॉस्ट इनफैक्ट हर कदम के ऊपर बढ़ सकती है या ज़्यादातर स्टेप्स के ऊपर बढ़ भी सकती है कुछ इस चीज़ को हमने लास्ट टाइम भी देखा था uh, और उसके साथ हमने ये भी देखा था कि हमारा ग्रेडियन डिसेंट एल्गोरिथम की कुछ और फॉर्म्स भी हैं जिसके अंदर हमारा स्टोकेस्टिक ग्रेडियन डिसेंट है जहाँ हर पॉइंट को कंसल्ट करने के बाद हम एक कदम उठा लेते हैं और उससे जरा हेज़ट होती है मूवमेंट लेकिन हमने ये भी कहा था कि वो जल्दी कन्वर्ज कर जाता है जल्दी ऐसे पॉइंट पे पहुंच जाता है कि फर्दर रिडक्शन इन द कॉस्ट बहुत कम हो जाती है तो so या तो हम वाकई मिनिमम पे पहुंच के रुकते हैं या मिनिमम के बहुत करीब पहुंच कर हम रुक जाते हैं वेन दी डिफरेंस बिटवीन सबसिक्वेंट स्टेप्स इज उस वक्त भी हम रुक जाते हैं और ये ऊपर uh, चेक लगा सकते हैं कन्वर्जेंस का और फाइनली हमने एक कॉम्प्रोमाइज वे देखा था जिसको हमने मिनी बैच ग्रेडियन कहा था जिस विच इज मिड वे बिटवीन स्टोस्टिक मिनी बैच के अंदर हम अपने ट्रेनिंग डेटा के बैचेस uh, बना लेते हैं स्मॉल बैचेस बना लेते हैं और फिर हर स्मॉल बैच को पूरे को इट्रेट करने के बाद हम एक स्टेप उठाते हैं Uh, अपनी कॉस्ट को रिड्यूस करने के लिए ठीक है जी ये जस्ट अ क्विक रिविजन ताकि आपके जहन में हो कि हम क्या कुछ अब तक देख कर आए सो नाउ वी हैव दिस केस वेर वी हैव मोर फीचर्स सो किसी घर के बारे में वी कैन ऑब्वियसली है लॉट ऑफ फीचर्स फॉर एग्जाम्पल इन दिस इन दिस पर्टिकुलर एग्जाम्पल तो आपके पास साइज मौजूद है अभी भी बच यू है नंबर ऑफ बेडरूम इसका भी प्राइस पे असर हो सकता है नंबर ऑफ फ्लोर दफ द हाउस एंड यू कैन कंटिन्यू डिफाइनिंग दीज फीचर्स पेंट कैसा हुआ हुआ है uh, उसका फ्रंट कैसा बना हुआ है एंड सो ऑन एक घर के अंदर आप जितने भी फीचर डिफाइन करना चाहिए हंड्रेड्स ऑफ फीचर्स जिसके ऊपर एक घर की क्वालिटी उसकी कितनी हैं, 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 हैं। उसमें उसमें कितने कितने जो हो हो चुका है, कुछ भी हो सकते कैन वी इनकॉर्पोरेट द इंफॉर्मेशन फ्रॉम ऑल ऑफ दी फीचर्स इन प्रोडिक्टिंग द आउटकम दउप वेरिएबल और कॉल इज़ ऑल्सो कॉल द रिस्पांस वेरिएबल कि आप उसको प्रिडिक्ट करने के लिए इन सबको यूज कर सकते हैं कैन यू यूज अ लीनियर इक्वेशन टू मॉडल दैट एंड एंडस द आंसर इज ऑब्वियसली येस यू वी कैन इस इक्वेशन के अंदर आप यहाँ पर थिएटर नॉट देख रहे हैं जो कि वही आपका इंटरसेप्ट है लेकिन उससे आगे अब आप सारे फीचर्स को और उनके वेट्स को देख रहे हैं सो यू हैव योर फीचर एक्स वन यू हैव योर फीचर एक्स टू यू हैव योर फीचर एक्स थ्री अप टू एक्स एन फॉर योर एन फीचर्स एंड फॉर ईच फीचर नाउ यू हैव एन एसोसिएटेड वेट इसको देखने का सोचने का एक अंदाज़ ये भी है कि ये वेट्स हर फीचर की इम्पॉर्टेंस के इंडिकेटर्स हैं कि ये फीचर हमारी आउटकम यानी प्राइस को करने में कितना यूजफुल है सो वंस यू हैव ट्रेन द होल इक्वेशन, फिटेड दिस इक्वेशन, फिटेड दिस 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 अब ये लाइन नहीं है हम आगे जाके इसकी इसके ज्योमेट्रिकेशन देखते हैं कि अब ये हाइप्रोप्लेन बन चुका है तो ये हाइप्रोप्लेन जो इस लीनियर इक्वेजन से डिफाइन हो रहा है जब ये पूरी तरह से फिट हो चुका होगा आपके ट्रेनिंग डेटा के ऊपर और आपके टेस्ट डेटा के ऊपर अच्छा रिजल्ट दे रहा होगा अच्छा यानी लेस एर दे रहा होगा uh, तो उस पॉइंट के ऊपर जो ट्रेंड वेट्स होंगे वो इंडिकेट कर रहे होंगे हर फीचर की इंपॉर्टेंस को लेट्स से मैं यहाँ पर कह देता हूँ घर के बारे में कोई ऐसे फीचर्स भी जिनकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं मिसाल के तौर पर उस घर के अंदर जो है वो दरख्त कौन सा लगा हुआ है या उसके अंदर बेल कौन सी लगी हुई है या उसके बाहर घास लगी हुई है या नहीं लगी हुई फॉर एग्जाम्पल मैं जीम करता हूँ कि जी इसका कोई ताल्लुक नहीं है या उसके आगे इस वक्त कितने लोग खड़े हुए हैं जिस वक्त हम उस घर को देखने के लिए गए अब हो सकता है इसका कोई फ़र्क ना हो उस घर की प्राइस के ऊपर तो ऐसे फीचर को अल्टीमेटली ट्रेनिंग के बाद बहुत कम वेट मिलना चाहिए और ऐसा फीचर लाइक साइज ऑफ द हाउस या नंबर ऑफ़ बेडरूम्स या जो भी हमारे ख्याल में इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं उनको ज्यादा वेट्स मिलने चाहिए सो ईच 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 फीचर इज 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 वेट एन इम्पॉर्टेंस ऑफ द द ऑफ दस्पॉन्डिंग फीचर ठीक है जी ये होपफुली आपके जहन में चीज क्लियर हो रही है ये एक अंदाज ये भी है कि हम इस तरह की ट्रेनिंग से बाज़ दफ़ा ये रिवर्स भी जाते हैं कि एक पर्टिकुलर आउटकम के अंदर जो इम्पोर्टेंट फीचर्स एक्ट कर रहे हैं जो उसके अच्छे प्रोडिक्टर्स हैं उनको जानने के लिए भी समटाइम्स फिट दिस रिग्रेशन लाइन एंड देन बैक ट्रैक एंड सी कि किस किस चीज़ को अच्छा वेट मिला है दैट मीन्स कि वो अच्छे फीचर्स थे ठीक है इस पर आगे जाकर और बात भी होगी कुछ नोटेशन की बात कर लेते हैं एम वो है नंबर ऑफ ट्रेनिंग सैम्पल्स एन नई चीज़ है नंबर ऑफ फीचर्स एंड यू कैन सी दैट द होल थिंग नाउ गोज अप टू थेटा एन एक्स एन इस केस में हमारे पास एन इज इक्वल टू फोर हमारे पास फोर फीचर्स हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं योर एक्स इज योर फीचर योर वाई इज योर लेबल यहाँ पर भी आपको चेंज नजर आ रहा है लाइक बिफोर द आईज़ इंडिकेट सैम्पल नंबर यानी फॉर एग्जाम्पल दिस इज आई इज इक्वल टू वन दिस इज आई इज इक्वल टू टू थ्री एंड फोर फोर आपके पास यहाँ ट्रेनिंग सैंपल हैं सो आई इसको इंडिकेट कर रहा है सुपर स्क्रिप्ट में फीचर नंबर कि आप कौन से फीचर की बात कर रहे हैं फॉर एग्जाम्पल कहता हूँ सो so मेरे केस में अगर मैं जेज की वैल्यूज यहाँ पे लिखूँ सो जे इज इक्वल टू वन टू थ्री एंड फोर सो फॉर आई इज इक्वल टू टू जे इज इक्वल टू थ्री मैं यहाँ पर पहुंचूंगा विच इज द नंबर ऑफ फ्लोर्स इन दिस सेकेंड सैंपल ठीक है तो अब होपफुली ये आपको चीज क्लियर हो गई होगी और ये नोटेशन भी आपको समझ में आ गई होगी अच्छा ये जो चीज हमारे पास इस लाइन से इंडिकेट हो रही है इसकी अभी थोड़ी देर में हम इस इस इक्वेशन से जो इंडिकेट हो रही है इसकी हम ज्योमेट्रिक इंटरप्रिटेशन भी अभी देखते हैं कि व्हाट डज इट मीन ज्योमेट्रिकली कि क्या ये फीचर्स बढ़ने के बाद अभी भी ये लाइन है या अब ये क्या चीज बन गई है ये हाइपर प्लेन है तो हाइपर प्लेन का क्या मतलब है अच्छा जनाब सो so इससे पहले जो हमारी हाइपोथेसिस थी जिस वक्त हम खाली एक सिंगल फीचर को देख रहे थे वो ये वाली हाइपोथेसिस थी अब हमारी ये हाइपोथेसिस जो है वो बढ़ गई है है जिसमें ये इंटरसेप्ट वहीं पर है और ये बाकी हमारे सारे के सारे वन से लेकर एन तक सारे के सारे फीचर्स हैं ठीक है थीके? अच्छा अब इसको ना हम एक स्टेप ये भी उठाने लगे हैं कि इस सब कुछ को जरा मुख्तलफ अंदाज में इंडिकेट भी करेंगे क्योंकि हम अब तक इसको जिस अंदाज में देखते रहे हैं वो थोड़ा सा Uh, कम एफिशिएंट अंदाज है इन uh, फीचर्स के साथ डील करने का कि अगर आपके पास एन फीचर्स हैं और एम सैंपल्स हैं तो आप एम सैंपल्स पे जाने और एन फीचर्स की वैल्यूज़ कैलकुलेट करने के लिए कोई एम इन टू एन का लूप लगाएंगे जो कि एक बहुत हाईली इन तरीका है तो यहाँ पर हमारे रेस्क्यू के लिए जो चीज़ आती है वो मेट्रिक्स uh, मल्टीप्लिकेशन और मेट्रिक्स uh, uh, के ऊपर ऑपरेशंस हैं इनफैक्ट मैं यहाँ पर थोड़ा सा भी अब आपको तो एक फ्यूचर पर्सपेक्टिव देना शुरू कर दूँ कि हम बहुत सी वो चीज़ें जो कि आजकल डीप लर्निंग कहराती हैं वो जानते थे इवन 1980s के अंदर भी हम उन चीज़ों के बारे में जानते थे दी ओनली प्रॉब्लम वॉज कि उस वक्त हमारे पास वो कैपेबिलिटीज़ नहीं थी कि हम उन कामों को कर सकें वो कैपेबिलिटीज़ हमारे पास आई जिस वक्त हमारे मॉडर्न कंप्यूटर्स uh, के अंदर मेट्रिक्स के ऑपरेशंस का एफिशिएंट अंदाज आ गया सो so, आपने जीपीयूज़ का जिक्र सुना होगा Uh, जो आपके ग्राफिकल प्रोसेसिंग के लिए यूज़ होते हैं जिसके सबसे बड़ा मोटिवेटर वो वीडियो गेम्स थी जो कि हाई एंड ग्राफिक्स यूज़ करती थी जिसकी वजह से ये चीज़ें इतनी कॉमन और इतनी सस्ती होती गई और इनकी डेवलपमेंट होती गई बिकॉज इट वॉज अ बिग मार्केट इस डेवलपमेंट के नतीजे में हम इस काबिल हुए कि हम उसी उन्हीं जी पी को यूज़ करते हैं अब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन और मैट्रिक्स ऑपरेशन के लिए और हम देखेंगे कि ये सारे का सारा काम जो अभी हम यहाँ लीनियर रिग्रेशन में अभी बहुत सादे अंदाज में ये थिएटा नॉट प्लस थिएटा वन एक्स वन थियटा टू एक्स टू जो लिख रहे हैं इस सब कुछ को अब हम वैक्टर्स की और मेट्रिसिस की फॉर्म में ले आएंगे तो यहाँ पर आप वो चीज़ देख रहे हैं ये ये एक्स इज इक्वल टू योर योर फीचर वैक्टर going from your first feature x1 to xn it is your n-dimensional feature vector and your theta here is your n plus 1 dimensional vector of weights Isko jab hum likha karte hai, we write it as x belongs to r n because it's, it belongs to this uh, n dimensions uh, and, and your, your uh, theta belongs to r n plus 1 ठीक है सो so, ये एक एन प्लस वन डिमेंशनल फीचर वैक्टर है और दूसरा एन डिमेंशनल एक एक एन डायमेंशनल फीचर वेक्टर है और दूसरा एन प्लस वन डिमेंशनल वैक्टर ऑफ वेट्स है जिसको हम यहाँ पर देख रहे हैं ठीक है अभी इसकी मजीद हम आगे बात और करते हैं पहले हम ज्योमेट्रिक इंटरप्रिटेशन को जल्दी से देख लें जब ये लाइन बढ़ गई है अब ये ये इक्वेशन बड़ी हो गई है तो अब ये लाइन नहीं रह गई जब तक हम यहाँ तक थे हम लाइन की बात कर रहे थे जब हम इससे एक डिमेंशन भी आगे आ गए यानी अब हम यहाँ पर दो फीचर्स की बात कर रहे हैं x1 और x2 की तो अब हमारे पास एक 2D डी हाइपर प्लेन है इन दिस थ्री डायमेंशनल स्पेस जिसको आप नीचे देख रहे हैं सो so, ये जो पॉइंट्स आपको ब्लैक में नजर आ रहे हैं इसके ऊपर और नीचे ये वो पॉइंट्स हैं जिसको इस प्लेन ने फिट किया हुआ है तो इंस्टेड ऑफ अ लाइन नाउ यू हैव फिर अ प्लेन इन इन दिस थ्री डायमेंशन यू हैव फिर प्लेन विच इज और बाय डेफिनेशन आपको याद होगा उस वीडियो से जिसमें मैंने रिवीजन करवाई थी कि किसी भी एन डिमेंशनल स्पेस के अंदर एन माइनस वन डिमेंशनल ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो हाइपोप्लेनस कहलाते हैं या हाइपर ऑब्जेक्ट्स कहलाते हैं तो यहाँ पर थ्री के अंदर जो टू डी हाइपर प्लेन है वो एक्चुअली प्लेन ही होता है अगर हम फोर में चले जाएंगे तो वहां पर हमारे पास थ्री चीजें होंगी जो कि फिट कर रहे होंगे हम और सो ऑन सो फोर तो ये इसकी ज्योमेट्रिक इंटरप्रिटेशन है जो आपके जहन में क्लियर होनी चाहिए कि जब हम इस इस लीनियर इक्वेशन को बड़ा कर रहे हैं तो इसकी ज्योमेट्रिक इंटरप्रिटेशन भी अब चेंज हो रही है अच्छा जनाब जना so, यहाँ पे अब हम एक छोटा सा मनूवर और करने लगे हैं आपको नजर आ रहा है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक ये यह सब कुछ बड़ा नाइस और बड़ा एक रेगुलर अंदाज का एक्सप्रेशन है ये एक जो इसमें इंटरसेप्ट पड़ा हुआ है ये साइड पे पड़ा हुआ है जिसके साथ कोई एक्स नहीं है जिसकी वजह से हमारा जो फीचर वेक्टर है वो एन डिमेंशनल है लेकिन हमारा जो वेट वेक्टर है वो एन प्लस वन डिमेंशनल है तो यहाँ पर हम एक छोटी सी अगर मनूवर कर लें हम एज्यूम कर लें कि वी हैव एन एक्स नॉट एक नया फीचर डिमेंशन हम ऐड करने लगे हैं बेसिकली वी आर नाउ एडिंग अ डिमेंशन टू आर टू आर फीचर्स बट वी आर एडिंग अ डिमेंशन जो कि हमेशा वन रहेगी सो एक्स नॉट इज इक्वल टू वन एज्यूम कर लेते हैं हम सो दिस होल इक्वेशन नाउ बिकम्स वेरी रेगुलर एंड वेरी

ठीक है तो अब ये दोनों चीजें सो तो ये फीचर वैक्टर और वेट वैक्टर दोनों सेम इनकी डिमेंशनैलिटी अब सेम हो चुकी है अब ये एक जितने बड़े हो गए इससे हमें बड़ी आसानी होगी अपने पूरे के पूरे ऑपरेशंस को मेट्रिसिस के अंदर ले जाने में जिसको अभी हम देखते हैं तो हेर यू सी दैट यहाँ पर अब आप देख सकते हैं कि ये जो इक्वेशन ऊपर लिखी हुई है जिसको अभी हम इसमें एक डिमेंशन ऐड करके इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करके लाएं बाय द वे आपको मेरी रिविजन की वीडियो से याद होगा जिसके अंदर मैंने प्लेन्स, हाइपर प्लेंस वगैरह ये चीज़ें रिवाइज़ करवाई थी वहाँ पर मैंने इस चीज़ का जिक्र भी किया था कि ये सीमिंगली नाइव ऑपरेशन ऑफ एडिंग अ डिमेंशन एक्चुअली ऑल्सो हैज जोमेट्रिक इंटरप्रिटेशन जो मैंने वहाँ पर बड़ी डिटेल में कवर की थी तो मैं उनको दोबारा दोहरा नहीं रहा अगर आप वो जोमेट्रिक इंटरप्रिटेशन फिलहाल नहीं भी इतनी अपने जहन में लाएँ तो यहाँ तक की बात में आपको कुछ मुश्किल नहीं होगी सो यू कैन प्रॉब्ली गो थ्रू दिस लेक्चर विदाउट गोइंग बैक टू दैट वीडियो बिफोर लेकिन फिर भी मैं हाईली रिकमेंड करूँगा कि अब ये मैनिपुलेशन हमने कर दी है और ये भी याद रहे कि ये हमेशा के लिए नहीं की कभी हम इस इंटरसेप्ट uh, को अलग रखा करेंगे और कभी हम जोड़कर इसको इस तरह से रेगुलर कर दिया करेंगे और ये पूरे का पूरा एक बड़ी नाइस nice इक्वेशन बन जाया करेगी uh, लेकिन ये आपको इसकी सारी इंटरप्रिटेशन पता होना ज़रूरी है ठीक है जनाब तो अब हम कर ये सकते हैं इस छोटी सी चेंज के बाद कि अब हम अपने इस कैपिटल थेटा को डिफाइन कर दें इस वैक्टर की फॉर्म में सो so, इस वैक्टर को अगर मैं देखूँ तो ये एन प्लस वन इंटू वन डिमेंशनल वैक्टर है सो नंबर ऑफ रोज आर एन प्लस वन जीरो से लेकर एन तक और इसकी जो नंबर ऑफ कॉलम्स हैं वो वन है और सिमिलरली आपका जो वैक्टर ऑफ फीचर्स है आपका जो फीचर वैक्टर है वो भी एन प्लस वन इंटू वन साइज का है तो अब आपके पास ये दो फीचर वैक्टर आ चुके हैं नाउ यू कैन सिंपली डिफाइन दिस होल एज थेटा एक्स अब x को मैं रिप्लेस कर दूंगा इस कैपिटल x से जो कि मेरा फीचर वेक्टर है एंड दिस इज सिंपली डिफाइंड एज थेटा ट्रांसपोज एक्स अगर आपको अपना बेसिक लीनियर एलज्रा याद होगा तो ट्रांसपोज वुड सिंपली बी थे डा नॉट योर फीचर्स एक्स नॉट एक्स वन टू एक्स एन और ये दोनों चीजें जब आपस में मल्टीप्लाई होंगी ये वाली चीज जो है ये आपके पास अब क्या है वन इन टू एन प्लस वन डिमेंशनल एंड दिस इज एन प्लस वन इंटू वन डिमेंशनल सो जो आपका आंसर आएगा इसका वो वन इंटू वन डिमेंशनल यानी एक नंबर होगा जो इस पूरी चीज को कैलकुलेट करने के बाद आपके पास आ रहा होगा जब आप इसका आंसर निकालेंगे तो इट वुड बी वन इंटू वन वैक्टर जो इसके आंसर में आपको मिल रहा होगा ठीक है जी होपुली ये सारी चीज आपको ऑलरेडी मालूम है अगर इन इसमें से कोई चीज़ मैं एक बात रिकमेंड कर दूं यहाँ पर अगर आप में से किसी को थोड़ा बहुत भूल भाल गई हैं चीज़ें आ, वेक्टर्स के बारे में मैट्रिसेस के बारे में तो एंड्रयू ऑन के जो मशीन लर्निंग का कोर्स है उसमें राइट आफ्टर लीनियर रिग्रेशन उनकी कोई पाँच छः वीडियोस हैं ऑन रिविजन ऑफ लीनियर एलजब्रा तो मैं हाईली रिकमेंड करूंगा कि एक दफ़ा उन वीडियोस को देख लें बेशक इस वाली लेक्चर के बाद देख लीजिए लेकिन उससे फ़ायदा ही होगा कि आपको जो चीज़ें अगर कुछ भूली हुई हैं कोई ब्रश अप करनी है तो वो आपको याद आ जाएंगी और आपके लिए सब कुछ दोबारा से आसान हो जाएगा अच्छा जी आ, ये भी याद रहे कि मैंने ये सब कुछ ऑल द वे अप टू न्यूरल नेट्स यूज़ करना है मैंने यही वैक्टर नोटेशन आगे बढ़ानी है तो लिहाजा अच्छा है कि इसी पर विजन हो जाए इस सब कुछ को ये जो हम अब कर रहे हैं इसको हम मल्टीवेरिएट लीनियर रिग्रेशन कहते हैं इसके लिए वो बहुत से नाम जो हमने पहले यूज़ किए थे वो भी यूज होते हैं लेकिन इसके लिए ये जो नई टर्म है वो मल्टीवेरिएट लीनियर रिग्रेशन की है जो हम यूज करते हैं अब हम बुनियादी तौर पर ये देखेंगे कि ये सब कुछ करने से हमें फायदा क्या हुआ ये वैक्टराइज करने का बहुत बड़ा एक आपको बेनिफिट अभी फौरन नजर आएगा आपको याद होगा कि हमारे पास एम ट्रेनिंग सैम्पल हैं हमारे पास एम घरों की लाइट से साइज um, और उनके नंबर ऑफ़ बेडरूम्स और उनकी एज एंड सोन एंड सो फोर्थ सब कुछ पड़ा हुआ है सो so, अभी आप पिछली स्लाइड पर देख कर आए हैं कि हमारा वेट वेक्टर थेटा जो है वो हमने इस तरह से डिफाइन किया है ये एन प्लस वन इन वन डिमेंशनल वेक्टर है जिसमें एन प्लस वन वेट्स पड़े हुए हैं हमारे पास स्टार्टिंग फ्रॉम दी इंटरसेप्ट ऑल द वे टू दी वेट्स फॉर दी एन फीचर्स तो अब तक हमने जो देखा था वो खाली फीचर uh, वैक्टर के केस में इस पहले वाले केस को देखा था कि हम एक ट्रेनिंग सैंपल के फीचर को देख रहे थे फीचर्स को देख रहे थे हम कर सकते हैं कि हम अपने एक्स को इस तरह रिडिफाइन करें कि हर कॉलम के अंदर एक ट्रेनिंग सैंपल पूरे का पूरा पड़ा हुआ हो सो दिस इज योर ट्रेनिंग सैंपल वन दिस इज योर ट्रेनिंग सैंपल टू दिस इज योर ट्रेनिंग सैंपल थ्री and this is your training sample m for your m training samples so that means कि एक्स जीरो के अंदर ये तो सबका सा सब वन पड़ा हुआ होगा आपको याद है कि आपने जो एक्स hai हैं वो सारे के सारे kiye किए थे equal to 1 sirf सिर्फ इस uh, थेटा नॉट को सपोर्ट करने के लिए कि ये uh, पूरी की पूरी इक्वेशन एक नाइस ऐसे अंदाज में आ जाए कि हम इसको एज uh, as अ प्रोडक्ट ऑफ टू vectors डिफ़ाइन कर सकें और उसके बाद यहाँ से आगे लेट से ये आपके पास अगर मैं वो हाउस वाली example दूँ तो ये साइज ऑफ द हाउस है और उसके बाद यहाँ पर आपके पास कहीं नंबर ऑफ बेडरूम्स हैं और ये आपके पास आपके लेट्स से जो भी एज ऑफ द हाउस है एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ तो ये मेरे सारे के सारे अब फीचर्स uh, हैं जो यहाँ पड़े हुए हैं सो so मैं अगर रोज को देखू तो ऊपर से लेकर नीचे तक ये मेरे पास डिफरेंट फीचर्स हैं और अगर मैं कॉलम्स को देखूँ तो ये डिफरेंट ट्रेनिंग सैंपल्स हैं ट्रेनिंग सैंपल वन टू थ्री फोर फाइव टू एम ट्रेनिंग सैंपल तो दैट मीन्स कि अगर मैंने पूरे के पूरे ट्रेनिंग सेट के ऊपर एक इट्रेशन कंप्लीट करनी है तो ऑल आई नीड टू डू इज नाउ जस्ट टू परफॉर्म दिस थे ट्रांसपोज एक्स अगर आप देखें कि ये दोनों मल्टीप्लाई हो सकते हैं या नहीं तो एक अच्छी प्रैक्टिस यह है कि आप हमेशा चेक कर लिया करें दिस वन इज वन इन टू एन प्लस वन डिमेंशनल वैक्टर ऑफ वेट्स एंड दिस वन इज एन प्लस वन रोज एंड

ये पहला एक्स नॉट वन है और बाकी साइज ऑफ द हाउस एंड नंबर ऑफ बेड्स एंड एज ऑफ द हाउस इसके कॉरेस्पॉन्डिंग सो लेट मी जस्ट हाईलाइट इट हीयर इसके जो कॉरेस्पॉन्डिंग प्राइस है वो मेरे पास प्रिडिक्टेड यहाँ पर आएगी दिस इज माई प्रोडिक्टेड प्राइस एंड सिमिलरली द प्रोडिक्टेड प्राइस फॉर दिस इज हेयर एंड द प्रोडिक्टेड प्राइस फॉर दिस इज हेयर सो नाउ इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द कॉस्ट फंक्शन आई जस्ट नीड अनादर वैक्टर जिसके अंदर मेरे पास ग्राउंड ट्रूथ के लेबल्स पड़े हुए होंगे Or wo ground truth ke labels for all the training samples, and then I can just subtract, square, and calculate the cost uh, of, the, uh, of this particular hypothesis of, of this particular combination of weights. और जिसकी बेस के ऊपर मैं अपने ग्रेडियंट डिसेंट को आगे बढ़ा सकता हूँ सो होपफुली अब आपके जहन में ये चीज़ क्लियर हो रही होगी कि किस तरह से ये मैट्रिसिस की मल्टीप्लिकेशन हमारे पूरे प्रोसेस को आसान कर देती हैं किस तरह हम यहाँ पर लूप्स की जगह अब सिंपल मैट्रिसिस की मल्टीप्लिकेशन यूज़ करते हैं एंड दैट बेसिकली मेक्स एवरी थिंग सुपर एफिशेंट वी आर यूजिंग हीयर द स्पेशल यानी वी वुड वॉन्ट टू यूज हियर द स्पेशल मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन यूनिट्स विच आर अ पार्ट ऑफ Uh, the processor itself and also uh, are specially designed in the, in the graphics processing units, the GPUs video games which now enable us to do all of these complex operations uh, very, very efficiently and very, very quickly at the hardware level. ठीक है जनाब तो होपफुली ये सब कुछ अब आपके जहन में क्लियर है नाउ वी आर रेडी टू गो हैड एंड ट्राई एंड अंडरस्टैंड द ग्रेडियंट डिसेंट एलगोरिदम फॉर द मल्टीवेरिएट केस